हाय एवरीवन, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जो आज का विषय है वह एक तुलसी का पौधा है, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही तुलसी का पौधा महत्व होता है। तो मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप नहीं करें। और जो भाई नए हैं मेरे चैनल को ना सब्सक्राइबर और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज तुलसी के बारे में इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, जब हम अपने घर में प्रवेश करते हैं नए घर में, तो एक तुलसी का पौधा अनिवार्य होता है। सबसे पहले हम अपने घर में जब जाएंगे तो एक तुलसी का पौधा लेंगे। अब दोस्तों देख रहे हैं, यह एक पौधा नया है। जब भी आप अपने घर में नए में जाएं तो सबसे पहले एक नया गमला लेना है। गमला लेने के बाद आप उसमें थोड़े से फूल सजा दें और फिर बाद में उसमें गुलाब के फूल रख दें, जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों मैंने पहले इसमें छोटे फूल लगाए हैं, अब मैं इसमें आपको गुलाब के फूल लगा कर दिखा रहा हूँ। दोस्तों देखो, अब मैंने इसमें गुलाब के फूल रख दिए हैं। उससे यह होगा कि मेरी तुलसी माता जब नए घर में जाएंगी तो अपनी कृपा खूब करेंगी और हम धन धान्य से हमेशा खुशियों से हमारा घर भरा रहेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको नए नए वीडियो लाता रहूँगा। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइबर और जिन भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो करें शेयर। और आपको ध्यान रहे, जब भी आप अपने नए घर में जाएं तो शुक्ल पक्ष में जाते हैं और होली से पहले नहीं जाएं, होली के बाद अपने नए घर में प्रवेश करें, जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं, तुलसी का पौधा इसी एक प्रकार सजा में, जितनी आप इसकी सेवा करेंगे उतनी ही तुलसी माता हमारे घर पर कृपा करेगी और हमेशा हरी भरी रहेगी। अब आप ध्यान रहे, हमारी तुलसी सूख जाती है तो मैं आपको वह कारण बताने जा रहा हूँ। आपकी तुलसी कभी भी नहीं सूखेगी। आपको संडे के दिन, एकादशी के दिन, बुधवार को पत्ते नहीं तोड़ने, जब भी आप पत्ते तोड़ो मांग कर तोड़ना। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी तुलसी सजाना है और अपने घर में तुलसी की कृपा पाना है। देखो हमेशा यह तुलसी हरी भरी रहेगी। और आपको ध्यान रहे, जब भी तुलसी का पौधा लाएं अपने नए घर में जाने के लिए तो सोमवार या शुक्रवार को पौधा लें और नए गमले के अंदर लगा दें और आपकी तुलसी हमेशा हरी भरी रहेगी। तो दोस्तों अब आपको मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, अपने फूलों से इसी प्रकार मैंने अपनी तुलसी को सजा रखा है। आप इसी प्रकार फूलों से अपनी तुलसी को जब नए घर में जाएं तो तुलसी इसी प्रकार सजाएं। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। वंदे मातरम।